आंगनबाड़ी और स्कूलों में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन में अंडा को शामिल किए जाने को लेकर विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में समाज सेवी संस्थाओं ने कहा है कि उनके द्वारा 400 स्कूलों और 173 आंगनबाड़ियों का सर्वे किया गया है, जिसमें उन्होंने पाया है कि उनके भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों के साथ भी अंडे की आवश्यकता है। इसलिए शासन को चाहिए कि इसके लिए भी तत्काल उचित व्यवस्था करें। इस दौरान आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और बच्चे भी कलेक्टर कार्यालय में मौजूद रहे। अभी आप लोग यहाँ यहाँ पे हम अंडा अंडा दो अंडा दो नारा सुन के आए हैं। कौन लगा रहा था नारा? अंडा दो का मतलब है कि रोज अंडा मिलना चाहिए स्कूल में। और अभी कौन से स्कूल से हैं आप? केदारपुर स्कूल से। तो वहाँ अंडा मिल पा रहा है? हाँ, अंडा मिलता है रोज? रोज नहीं, एक दिन। तो अभी क्या मांग है? अभी रोज अंडा मिलना चाहिए। अंडा खाने से क्या वजन बढ़ता है, ताकत आती है। गाँव वाले कुछ लेकर के इकट्ठा हुए हैं, इनकी मांग है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में और स्कूलों में अंडा हर रोज दिया जाए करके। अभी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से केवल गंभीर कुपोषित बच्चे जिनकी संख्या लगभग 3,000 है पूरे जिले में, उनको अभी अंडा दिया जा रहा है। और इनकी मांग है कि सभी बच्चों को दिया जाए। अभी इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है, ज्ञापन जैसा है उस पर जो कार्रवाई करनी है वो उच्च अधिकारी उसमें निर्णय लेंगे। ज्ञापन से ले लिया जा रहा है और आगे जो निर्णय होगा उसके आधार पर हम लोग अपना काम करेंगे। तो आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन में अंडे की मांग को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, और मध्याह्न भोजन आंगनबाड़ी में अभी अंडे दिए नहीं जा रहे हैं। हालांकि उनके प्रावधान में कहते हैं कि जो है मध्याह्न भोजन में सप्ताह में देने का है, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं। कारण कि हम लोगों ने भी पूछा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कि वो कह रहे हैं कि जो बजट है नहीं, बहुत कम पैसा मिलता है, इसलिए हम अंडे दे नहीं पाते हैं। तो सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि इसके अलग नियम बनाया जाए, अलग योजना बनाया जाए, ताकि बजट भी बढ़े और अंडे पर्याप्त रूप से मिले।